गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सभी अध्याय दो, जिसका नाम है खर्च पहेली, उसके शब्द अर्थ वाक्य प्रयोग प्लस मात्रा शब्द करेंगे। पहला शब्द हमारा है आय। आय का अर्थ होता है आमदनी। किसी भी व्यक्ति की जो तनख्वाह होती है, सैलरी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? आय या फिर आमदनी कहलाती है। शुश्रूषा, शुश्रूषा मीन्स होता है सेवा या किसी की देखभाल करना। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है मतलब, हल, समाधान, उल्लंघन, पालन ना करना या फिर आज्ञा ना मानना। पुरस्कार का अर्थ होता है इनाम। नेक्स्ट हमारा है वाक्य प्रयोग कीजिए। प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आप चाहें तो इन्हें अपने शब्दों में इसके वाक्य प्रयोग बना सकते हैं। किसान, किसान खेत में कार्य कर रहा है। बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता का अर्थ होता है किसी भी कार्य को बुद्धिमानी के साथ करना। मंत्री और किसान ने बुद्धिमत्ता से काम किया। पुरस्कार, राजा ने किसान को पुरस्कार दिया। खुश, किसान अपनी आय से खुश था। ई की मात्रा के शब्द लिखें। ई की मात्रा क्या होती है? ई की मात्रा को हम किसी भी वर्ण या अक्षर के आगे इस तरह से लगाते हैं। अब जैसे कि हम अगर दा दिन पर ई की मात्रा लगाएं तो हम किस तरह से लिखेंगे? दा, दा पर छोटी की मात्रा, दा छोटी की मात्रा, दी और ना, क्या हुआ हमारा? दिन। अब अगर हम दा पर छोटी ई की मात्रा ना लगाकर बड़ी ई की मात्रा लगाएं, बड़ी ई की मात्रा हम किस तरह से लगाते हैं? हम किसी भी वर्ण के इस तरह से पीछे से लगाते हैं। जैसे कि हम दा पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? दा पर बड़ी की मात्रा, दी और ना, क्या हो गया? दीन। तो हमारा बिल्कुल ये अर्थ इसका अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। दीन का अर्थ होता है कोई भी बहुत दुखी। इसी तरह से हम का पर लगाएंगे छोटी की मात्रा, की, रा और ड़ा, क्या हुआ? किरण। नेक्स्ट हमारा है हा, हा पर छोटी मात्रा, ही, रा, ना, हिरण। छोटी की मात्रा क्या होती है? हम थोड़ा सा जल्दी बोलते हैं, और बड़ी की मात्रा को हम खींच कर थोड़ी देर तक बोलते हैं। इसी तरह से हम नेक्स्ट हमारा है कवि। कवि में हम का, वा पर छोटी की मात्रा, वी, कवि। इसी तरह से हमारा माँ, माँ पर छोटी की मात्रा, मी, और त्रा, क्या हुआ? मित्र। धन्यवाद।